जियोपॉलिटिकल घटनाएं भी नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रही है। इस संदर्भ में भारत जापान पार्टनरशिप को और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर भी पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा। जापान इंडिया में आज तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि जापान इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इससे पहले भी बहुत बार जापान ने इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन अगर मैं रिसेंट डेज की बात करूँ तो रिसेंट डेज में जापान $42 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है अपकमिंग 5 ईयर्स में। $42 मिलियन मतलब 3.32 लाख करोड़ रुपीज। इंडिया में जापान का आज तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और इसी के साथ साथ जापान इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आखिर क्यों कर रहा है? एक तरफ रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हो रहा है और इसी के साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन फिर भी जापान $42 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है इंडिया में। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर जापान इंडिया में $42 मिलियन का इन्वेस्टमेंट क्यों करने वाला है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जापान के ऐसा करने के पीछे कौन कौन से इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और इसी के साथ साथ जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, जब कभी भी एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है तो यहाँ पर इसका मेन फोकस होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स पर पैसे कमाना, अपने इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छे खासे रिटर्न्स कमाना। तो जापान का भी मेन पर्पस यही है कि जितने भी अमाउंट का जापान इन्वेस्टमेंट्स करने वाला है, जापान को पता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की ग्रोथ ज्यादा होगी। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक रीजंस से। देखा जाए तो जापान जो है वो एक स्लो ग्रोथ इकोनॉमी है और इसी के अपोजिट में इंडिया जो है वो फास्ट ग्रोइंग कंट्री है। इंडिया की जीडीपी और जापान की जीडीपी को अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया की जीडीपी जापान की जीडीपी से काफी तेजी से ग्रो कर रही है और इसी के साथ साथ जापान की इकोनॉमी जो है वो इंडिया से काफी स्लो है। यहाँ पर बहुत सारे रीजन है जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जब कभी भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो होती है तो यहाँ पर उस कंट्री के खुद के इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज काफी कम होती है। जब कभी भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो स्लो होता है तो यहाँ पर कंट्री को फॉरेन में इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ता है, क्योंकि कंट्री के अंदर उस कंट्री के इन्वेस्टमेंट्स करने के कोई ज्यादा चांसेस नहीं होती हैं। और अगर कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी कर देते हैं तो यहाँ पर ज्यादा रिटर्न्स नहीं आते हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज इनसाइड कंट्री में काफी कम होती हैं और इंडिया की जीडीपी की रियल ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से इंडिया को यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब यहाँ पर सेकंड इकोनॉमिक फैक्टर ये है कि जो जापान है वो एजिंग कंट्री है और इंडिया जो है वो यंग कंट्री है। जैसे कि आप यहाँ पर इस ग्राफ को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि इंडिया में जो यंगेस्ट लोगों की संख्या है वो ज्यादा है, इंडिया में यंग पीपल ज्यादा है। अगर आप जापान के डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता जरूर चलेगा कि जितने यहाँ पर यंगस्टर है उससे ज्यादा एजिंग पीपल है, मतलब जो भी ओल्ड एज पीपल होते हैं 60 साल से ज्यादा, 50 साल से ज्यादा, ऐसे लोग हैं। अब जहाँ पर बुजुर्ग लोग ज्यादा होंगे वहां पर काम तो होगा नहीं और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज भी अवेल करवानी पड़ेगी इनके लिए। लेकिन इंडिया में यंगस्टर्स की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है तो इस चीज का फायदा इंडिया को बहुत होता है। फिर चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करो, फिर चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करो या हर चीज की बात करो, यहाँ पर हर एक चीज डेवलप होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां पर यंगस्टर्स ज्यादा होंगे वहां पर कैपिटा इनकम यानी इनकम के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ऑब्वियसली बात, अगर कमाने वाले ज्यादा होंगे तो पैसे भी ज्यादा होंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक रीजंस की। अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान एक ऐसा देश है जिसने अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा है और हर एक चीज को डेवलप किया है। लेकिन अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो करंट सिचुएशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करंट सिचुएशन में जापान बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है और वहीं पर इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने अपना ट्रेडिशन को छोड़े बिना बहुत सारी चीजों में डेवलप किया है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात करूं तो इंडिया जो है वो आईटी के बिजनेस में नंबर वन है दुनिया में और इसी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए अगर तो इस चीज में भी नंबर वन है। तो बेसिकली जापान और इंडिया में बहुत सारी कॉमन चीजें हैं तो यहाँ पर जापान इन्वेस्टमेंट्स करने वाला है इसी चीजों को देखकर। तीसरा बात करते हैं जियोपॉलिटिकल रीजंस की। अब जियोपॉलिटिकल रीजंस में सबसे मेन फैक्टर आता है चाइना का। साउथ चाइना का पार्ट जो है वो जापान के बहुत ज्यादा नजदीक होता है तो यहाँ पर जापान को बहुत ज्यादा डर रहता है कि अगर चाइना के साथ कुछ होता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो सकता है और जापान की कंट्री को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। सिमिलरली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के पास पड़ता है चाइना का सी, तो प्रॉब्लम्स दोनों के पास सेम है और अगर जापान इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करता है तो ये इंडिया को भी फायदा करेगा और इसी के साथ साथ जापान को भी फायदा करेगा। फिर बेनिफिट चाहे इकोनॉमिक हो, स्ट्रेटेजिक हो या जियोपॉलिटिकल हो, दोनों को फायदा होने वाला है तो यहाँ पर जापान इन्वेस्टमेंट्स करेगा। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि जापान के इन्वेस्टमेंट्स करने के पीछे के रीजन क्या क्या हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंडिया को और जापान को फायदा क्या क्या होगा। बेसिकली अगर जापान इन्वेस्टमेंट्स करता है इंडिया में
में तो जापान को फायदा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर रिटर्न्स उसको अच्छे मिलेंगे। देखो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स करती है तो सिर्फ अच्छे खासे रिटर्न्स कमाने के लिए करती है और कंट्री का अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में लेबर फोर्स को जॉब मिलेगी, जब लेबर फोर्स को जॉब मिलेगी तो हर एक इंसान के पास इनकम आएगी और अगर ऐसा होता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं और इसी की वजह से इंडिया की जीडीपी जो है वो और तेजी से ग्रो करेगी। इंडिया की ग्रोइंग जीडीपी का मतलब होता है कि इंडिया का शेयर मार्केट और इसी के साथ साथ बहुत सारी जगह में बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। तो जापान इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करने वाला है, इसके ऊपर आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी के साथ साथ आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जहां पर हम लोग बात करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।